कुछ खाने के आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें गर्म करके खाना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जानिए ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में। आलू, आपको जानकर हैरानी होगी कि आलू को उबालकर खाना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल उबले आलू को अगर आप तुरंत खा लेते हैं, यानी जब वो फ्रेश हो, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन आलू उबालकर रखना और उसके बाद कुछ दिनों तक उसका इस्तेमाल पेट के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसे जब भी पकाएं बस एक बार खाने लायक ही पकाएं। फ्रिज में रखकर दोबारा गर्म ना करें। पालक बेहद पौष्टिक, आयरन रिच। पालक दोबारा गर्म करके खाने पर अनहेल्दी हो सकता है। इसमें नाइट्रेट पाया जाता है जो गर्म करने पर हानिकारक रसायन में बदल जाता है। इसे भी ताज़ा ही खाएं, दोबारा गर्म करके खाने से बचें। अंडा, एक उचित तापमान पर निश्चित समय तक अंडे को उबालने से उसमें मौजूद पोषक तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर इन्हें अधिक देर तक ज्यादा हीट पर उबाल दिया तो ये अपने गुण खो देते हैं। तेल, बाहर बने हुए तैलीय खाद्य पदार्थ जैसे समोसे पकौड़े से दूर रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तेल में इन्हें तला जाता है वो कई बार गर्म किया जाता है। तेल को एक से ज्यादा बार गर्म करने पर उसमें मौजूद तत्व हानिकारक रूप से क्रिया करते हैं और ये सेहत के लिए अनहेल्दी हो जाता है। मशरूम, ये एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे जितना कम हो सके उतना गर्म करना चाहिए। मशरूम की रेसिपी में इसे सबसे आखिर में ही डाला जाता है, इसलिए आप भी इसे दोबारा गर्म करने के बारे में सोचे ही ना। मांस, चिकन, मटन, प्रोटीन युक्त नॉनवेज खाना अक्सर घरों में ज्यादा बनाया जाता है ताकि उसका सेवन अगले दिन भी किया जा सके, लेकिन मांस एक बार पकाए जाने पर ही हेल्दी रहता है। इसके बाद इसे दोबारा गर्म करने पर इसमें मौजूद प्रोटीन रिएक्शन करने लगता है। इसे खाने से आपको अपच की समस्या भी हो सकती है, इसलिए नॉनवेज बनाते हुए ध्यान रखें कि आप इसे एक ही समय के लिए बना रहे हों। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।